अच्छे से जानती हैं, क्योंकि जब राजीव गांधी यहां से चुनाव लड़ा करते थे तब भी प्रियंका गांधी उनके साथ आया करती थी, और अब अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करने के लिए आती हैं, और इस बार तो वो कांग्रेस की महासचिव के तौर पर अमेठी की जनता के बीच में आई हैं। उनका तहे दिल से स्वागत भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अमेठी की ये महिलाएं जो हैं वो स्वागत कर रही हैं सभी, चूंकि प्रियंका गांधी यहां पर लगातार आती रही हैं, गांव गांव जाकर जनसंपर्क कर रही हैं और बता रही कि अमेठी का मान और सम्मान किसके साथ जुड़ा हुआ है और अपमान किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये बता भी रही हैं और बकायदा इस बात को समझा भी रही हैं। प्रियंका गांधी, अगर मैं वाराणसी लड़ती तो मैं वाराणसी तक सीमित रहती, जबकि मेरा काम उससे यहाँ पे ईस्टर्न यूपी में काफी ज्यादा है। हर उम्मीदवार चाहते हैं कि मैं जाके प्रचार करूं, मैं उनको निराश भी नहीं करना चाहती। वो पार्टी निर्णय लेगी वही मैं करूंगी। अगर चाहते हैं कि मैं लड़ूं तो मैं लड़ती, ना चाहते तो बिल्कुल सही। मैं प्रियंका गांधी अपने लिए थोड़ी जा रही है राजनीति में। कांग्रेस का संगठन यहाँ कमजोर है, यहाँ हमें मजबूत बनाना है। राजनीति सिर्फ जीतने के लिए थोड़ी होती है। प्रियंका ने कहा है कि राजनीति सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती है। बहुत बड़ी बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही है। उन्होंने कहा है राजनीति जो होती है वो जनसेवा के लिए होती है, और एक बात उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस का संगठन यहाँ पर बेहद कमजोर है और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए, चूंकि उन्हें 2022 की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बात का जिक्र लखनऊ में प्रियंका गांधी ने पहले ही कर दिया था। जितेंद्र कौशल हमारे संवाददाता हैं अमेठी से, वो जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कौशल, अभी प्रियंका गांधी कहाँ हैं और आगे उनका क्या प्लानिंग है, किस तरह से वो प्रचार प्रसार करेंगे, बताइए। जिस तरीके से देखा जाए राहुल जी, कल प्रियंका दो दिवसीय दौरे पर अमेठी आए, वो तिलवई विधानसभा और जगदीशपुर विधानसभा, गौजी विधानसभा में भ्रमण किया, और वो रात करीब 10 बजे भूमि में गेस्ट हाउस में रात विश्राम करने के लिए निकल गई। वहां से वो आज 10 बजे रायबरेली के शलवन विधानसभा में वो वहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं। उसके बाद अभी 3:30 पर वो गौरीगंज पहुंचेंगे और पंडरी गांव में पहुंचकर जनसंपर्क करेंगी। 4:30 पर संग्रामपुर के ठेंगा गांव में जनसंपर्क करेंगी। 5:15 पर अमेठी। जितेंद्र कौशल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं।